मानवर संवैधानिक व्यवस्था में सरकार को सप्लीमेंट्री बजट लाने का अधिकार है, लेकिन ये भी सही है कि सप्लीमेंट्री बजट जब बहुत आवश्यक हो तब उसकी आवश्यकता होती है तब लाया जाता है। अभी आपने मूल बजट पास किया और मूल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी आपका खर्च भी नहीं हुआ, और जिन विषयों पर आप सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा बजट अभी अवशेष है। लेकिन आप फिर उस समय जब बजट बना रहे थे, बजट बनाते समय वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश की संभावनाओं पर विचार करें और विचार करके फिर बजट को तैयार करें। लेकिन उस समय जब आप बजट बना रहे थे तो सप्लीमेंट्री मदों की जो आवश्यकता थी मुझे लगता है उस पर आपने विचार नहीं किया। 6 महीने के अंदर ही ये आपको विचार आ गया कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, जिसके लिए आप सप्लीमेंट्री ला रहे हैं। तो मैं यह समझता हूँ कि आपने मूल बजट बनाते समय इनकी उपेक्षा की और इस तरह से सप्लीमेंट्री लाना एक तरह से वित्तीय निमित्ता भी होती है। मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि आपने बहुत निर्धारित कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 बजे बोलना है, तो मैं अपनी बात, आपने कुल बजट जो आपने राजस्व लेखा में लिया आपने बताया है अनुपूरक आधारकाल जो है 12209.981 का आपने बजट लिया। इसमें बहुत से विभाग हैं जिसके लिए आप मांगा, मैं उन सब की कहाँ तक एक एक करके व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन ये अच्छा राजस्व लेखे में आपने माना, पूंजी लेखे में भी आपने माना। पूंजी लेखे का बजट तो अच्छा माना जाता है क्योंकि उससे पूंजी निर्मित होती है और उससे इनकम की भी होती है, लेकिन राजस्व लेखा से कुछ लाभ नहीं होता। आपको कोई वेतन देना है, कभी मंत्री जी ने वादा कर दिया ये करना है, कहीं कुछ करना है, इस तरह से उसके संभावनाओं पर विचार किए बगैर उसको राजस्व लेखा में रख के राजस्व लेखा का बजट बनाना बहुत लाभदायी नहीं होता है। पूंजी लेखे के बजट का बहुत अच्छा हिस्सा होता है और उसमें भी आपने इस पूंजी लेखे से आपको क्या क्या काम करना है उसको बृहद उसमें दिया है, मुझसे दोहराऊंगा नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछली बार 2024 का बजट आपने 7,36,437.07 करोड़ का आपने पास किया। अभी हमारे पास आंकड़ा है उसमें आपने जो वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की वो भी पूरा नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये था, ये देखिए आपने आबकारी विभाग मंत्री जी अभी बहुत बोल रहे थे, आपने 497.5 करोड़ का आवंटन किया और उसमें वित्तीय स्वीकृति जारी की 355.43 करोड़ का और कुल बजट का खर्च हुआ है 17.75 और पूरे बजट का जो आवंटन है उसका 24.82% खर्च हुआ। बजट तो आपके पास पैसा था ही, आप इसका पुनर्विनियोग भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं सप्लीमेंट्री लेते। अच्छा, बहुत से सप्लीमेंट्री बजट में आपने मांग किया है कि हम इस मत को अपनी बचत से पूरा कर लेंगे, इसमें है आपने विवरण में जो है उसमें आपने लिखा है हम उसे पूरा बजट कर लेंगे। उद्योग विभाग भारी और मध्यम उद्योग के लिए आप पैसा मांगे हैं, जब आप बजट बना रहे थे इन संभावनाओं पर क्यों नहीं विचार किया कि ये बातें हैं, ये 5 महीने में आपको नया कहां से ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसके लिए भी आपने 21,895.59 रुपए का मूल बजट में प्रावधान किया और मूल बजट के प्रावधान के बाद उसमें भी 5,610.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां आपने बजट के लिए जारी की। जो आपने बजट जारी की है इनको उसमें कुल बजट का 19.90 खत्म खर्च हुआ और पूरे बजट का 77.5 इसी तरह से सबका हम कहाँ तक आपको गिनावे मन में, यानी इसके माने कि आपके पास पैसा पहले से मौजूद है और उसके बाद चूंकि आपने इसका आकलन नहीं किया, बनाते समय बजट इतना बड़ा था उसका ध्यान आपने नहीं दिया, इसलिए आपको यह सप्लीमेंट्री लानी पड़ी।
ये आपकी वित्तीय अनियमितता है और बजट बनाते समय माननीय मंत्री जी इन संभावनाओं पर विचार किया जाता है। आज एक परिपाटी बन गई, जहाँ कहीं मंत्री जी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कोई मंत्री जाता है घोषणा कर देता है। अब घोषणा कर दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करेंगे तो उसे पूरा करना है। अब बजट में तो व्यवस्था है नहीं, इसलिए आपको उसके लिए भी सप्लीमेंट्री में बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर बजट की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप प्रत्येक अनुदान लेंगे जिससे कि आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल कर उसको आप खर्च कर सकें। तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तमाम पैसे आप जो जारी किए थे वो अभी आपके पास अवशेष हैं और वो उसमें अभी खर्च भी नहीं हुआ। मैं एक का जरूर कहना चाहता हूँ, इसमें आपने 600 करोड़ रुपया प्रचार के लिए मांगा। 600 करोड़ माने 6 अरब, किस चीज़ का प्रचार करेंगे? आपने तो अपनी योजनाओं का प्रचार ग्राम पंचायत प्रधान से लेके सदस्य से लेके सिक्रेटरी से लेके वीडियो कलेक्टर तक तो गांव गांव प्रचार कराया, ये 600 रुपया किस प्रचार में नहीं? क्या ये अखबारों के विज्ञापन के लिए है या आपके कार्य योजनाओं के प्रचार के लिए है या जो आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे उसके प्रचार के लिए है? इसके बारे में कोई पूरा विवरण इसमें मैं पाया नहीं। 600 रुपया ये आज प्रचार के लिए, प्रचार के लिए 6 अरब रुपया ये विज्ञापन में आप देंगे और विज्ञापन पर दबाव डालेंगे, अखबार वाले हमारी बात सुनेंगे नहीं, आप ही के विज्ञापन में नाते आप ही की बात सुनेंगे। इसलिए अपने बातों के प्रचार के लिए आपने ये 600 करोड़ रुपया आपने इसमें रखा। मैं ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार रखें, लेकिन कम से कम जनता के बीच में तो एक संदेश जाए कि 600 करोड़ रुपया प्रचार कहाँ जाए। इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, तमाम विभागों की स्वीकृतियाँ अभी जारी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट पास करते हैं तो आप इस संभावना के पास करते हैं कि हम इतने रुपए 31 मार्च तक, जो हमारा अंतिम वर्ष होगा, हम खर्च कर लेंगे और वो पैसा आप उसकी व्यवस्था कंसोलिडेटेड फंड से आप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आप जब बजट बनाए और बजट में सारी बातें आपने रखी और पिछला बजट जो 22-23 का था, 23-24 का था, उसमें भी जितना रुपए का आपने आवंटन किया उतना भी रुपया आप इकट्ठा नहीं कर पाए और उतना आप खर्च नहीं कर पाए थे। आप पिछला, हम उस पर विवरण नहीं देना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री जानते हैं, जितना आपने आंकड़ा बताया था कि इतना हम खर्च करेंगे उतना आपको पैसा ही नहीं मिला, उतना पैसा नहीं मिला, जिसके कारण बहुत सी परियोजनाएं जिसका आप बजट बनाते हैं, जिस परियोजना के लिए आप बजट की व्यवस्था करते हैं, अगर वो व्यवस्था उस परियोजना में पैसे क्या वहाँ में रह जाती है, अगले बार भी उसका कास्ट का प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, आपका बजट का चौथाई हिस्सा बढ़ जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, उन्हीं परियोजनाओं को आप चुनें जिसके लिए आप बजट की व्यवस्था कर सकें और पूरा बजट का पैसा इकट्ठा करके उसको आप खर्च कर सकें। ये अनियमितता पिछले बार भी हो रही है, मुझे लगता है हम नहीं कर सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, तेज हैं, उतना रुपया इकट्ठा कर लेंगे, अच्छी बात है, जितना आप लाए हैं उतना खर्च करें, इसमें मुझे कुछ कहने की बात नहीं है। आपको जब आप यहाँ बोलेंगे वित्त मंत्री जी, हालांकि मुख्यमंत्री जी भी जवाब देंगे, मैं सर सम्मान आपसे कहना चाहता हूँ, पिछला बजट जो आप बनाए थे उसमें कितना खर्च किए, कितनी योजनाओं पर आपका पूरा पैसा खर्च हुआ, कितने पर नहीं खर्च हुआ और जो नहीं खर्च हुआ उसको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आप हमें एक विवरण देंगे। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी परियोजनाएं, उसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक सरजू परियोजना है, ये सिंचाई में आता लेकिन मैं पहले कह देता हूँ, हमारी सरजू परियोजना 1977 के पहले की है और आज तक वो पूरी नहीं हुई। 3327 हमें जहाँ तक याद है 327 करोड़ की परियोजना थी, अब तक इसमें कई हजार, 2000 से ज़्यादा, 2000 ज़्यादा, 2000
ज्यादा करोड़ रुपया खर्च हो गया, अभी ये परियोजना पूरी नहीं हुई। आपने जमीन अक्वायर कर ली, जमीन पे लोग खेती कर रहे थे उसको ले लिया, पहले तो मुआवजा भी नहीं मिलता था, मुआवजा इसलिए नहीं मिलता था चकबंदी की कटौती से नहर की जमीन ले जाती थी। अब आप मुआवजा भी दे रहे हैं, मुआवजा भी दे दिए हैं, कटौती से भी जमीन ले लिए, अभी वो नहर खुद ही नहीं। माननीय सिंचाई मंत्री जी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से, इसकी आप समीक्षा करें। सारी योजनाएं, चाहे मध्य गंगा परियोजना हो, चाहे ये आपका कन्हार सिंचाई परियोजना हो, चाहे ये आपकी बदायूं सिंचाई परियोजना हो, चाहे ये आरंभ सिंचाई, ये सारी परियोजनाएं पैसे के अभाव में अभी पूरी न, जो पैसा आपको लगाना है, जो केंद्र सरकार को लगाना है, उनसे आपको आग्रह करके लेना चाहिए। परियोजनाएं ना पूरी होने के नाते विकास की गति जो आप सोच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो थम जाती है। जिस लक्ष्य से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जिस परियोजना को आप बनाते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तो जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य कमजोर हो जाता है। विकास की गति जिस धर्म से हमारे प्रदेश की चलनी चाहिए उससे रुक जाती है। दूसरी बात, मैं इसमें बजट के बारे में, अब जैसे आपने बजट का प्रावधान किया, मान्यवर बजट का प्रावधान बेरोजगारी पर भी नहीं किया। हम पुरानी सरकार थी, मैं लेबर मिनिस्टर था, तो मैंने बेरोजगारी का भत्ता का प्रावधान किया था, बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता था बेरोजगारों को, वो हमने, इसमें आपने अगर उसके लिए भी बजट मांगा होता तो मैं आपको धन्यवाद देता कि आप कुछ गरीब बच्चों को या जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो रोजी नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ बेरोजगारी के भत्ते के नाम पर लेते, हम लोग देते थे। हमारी सरकार गई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उस समय भी मैं विधायक था, उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। रोजगार भी नहीं दिया और भत्ता भी नहीं दिया, बेरोजगारों का जो पाते थे बेचारे लड़के वो भी चला गया। तो मैं आपसे आग्रह करता, इसमें होता तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता। दूसरी बात है, इस बजट में शिक्षण संस्थाओं के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, मान्यवर लड़के फार्म भरते हैं दशमोत्तर, उसके ऊपर गरीब बच्चों को आप स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप के लिए पर्चा भर फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद स्वीकृति भी हो जाती है, लेकिन जिलों में जो धन जाता है समाज कल्याण विभाग को, इसके लिए जिस विभाग को आप देते हो, वो पूरा नहीं होता। परिणाम क्या होता है जिलों में कि वहाँ लड़के दौड़ दौड़ के जाते हैं। मान लीजिए 300 लड़कों का है, आपने बजट दिया 200 लड़के का, सब दौड़ते हैं, तो उससे अनावश्यक भ्रष्टाचार पैदा होता है। अनावश्यक भ्रष्टाचार में छात्रों से नौजवानों के साथ होगा तो उनके मन में क्या भाव पैदा होगा, इसको आप रोकने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। मैं दूसरी बात, मैं जानता हूँ समय आपने निर्धारित कर दिया, इसलिए मैं खुद संक्षेप में करता हूँ, क्योंकि ये मूल बजट है नहीं जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा किया जाए। अब आपने पुलिस विभाग पर भी बजट मांगा है और अच्छी बात है। एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस विभाग में फॉलोअर होते हैं, फॉलोअर बेचारे बहुत परेशान होते हैं, बूढ़े हो गए, नई भर्ती आपने की नहीं, रिटायर हो गए, अब फॉलोअरों का अभाव है, करीब 1 लाख फॉलोअर का पोस्ट होता है वो भरा नहीं गया है, तो इसके लिए भी बजट में व्यवस्था आप दूसरे मदों के लिए किए, गाड़ी के लिए किए और दूसरे मदों के लिए किए हैं, अगर इन फॉलोअरों के लिए भी कर दिए होते तो मैं आपको धन्यवाद देता, आभार प्रकट करता, क्योंकि बड़ी संख्या में बूढ़े हो गए, रिटायर हो, जब भी कोई कप्तान साहब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं आप फॉलोअर के बारे में नहीं बोलते हैं, सबके बारे में बोलते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस पर भी आप विचार कर लें। मैं बजट के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री बजट है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। आपने प्रतीक मांग की है गृह की, उसमें महिला पीएससी वाहनियों के वाहनियों में 189 नए वाहन किए जाने हैं, 100 करोड़ रुपया आपने मांगा, 1 अरब मांगा, ये आपको, आपने इससे बचत भी कर सकते थे।
और बचत क्या आप पुनर्विनियोग कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री में लाने की जरूरत नहीं थी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन हेतु भी आपने 93 नए वाहनों के लिए मांगा है, आपने पीटीएस से 52 नए वाहनों को मांगा है, अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षार्थ 76 नए महिंद्रा स्कॉर्पियो क्रय किए जाने हेतु भी 100 करोड़ रुपये की मांग की। अब ये वाहनों पर इतना मांग कर रहे हैं, ये वाहनों का आंकड़ा तो पहले भी आपके नॉलेज में रहा होगा, इसके लिए सप्लीमेंट्री लाने की जरूरत थी, बजट में व्यवस्था कर ली होती, इतना बड़ा बजट है उसमें हो जाता। तो ये हम ये नहीं कहते कि इसका आप दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि इससे कुछ पूंजी तो निर्गत नहीं होती, वाहन से पूंजी नहीं निर्गत होती, उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ये आपका इतना बड़ा मांग, लेकिन आप मांगते हैं तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब आपने फिर मांगा है प्रति वाराणसी में गंगा नदी पर मालवीय सेतु के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित नए रेल कर, ये ठीक है आपने मांगा तो अच्छा, हालांकि ये जब पुल बना होगा तो वो रहा होगा, तो बजट बनाते समय इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं नहीं समझता कैसे बजट बनता है, लेकिन हम वित्त से संबंधित रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं, तो इसकी भी आपको कल्पना करनी चाहिए। अनुदान संख्या 58 में लोक निर्माण के लिए संचार साधन सड़कों के लिए मांगा, औद्योगिक राजनीतिक पार्क हेत मार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़, इको तो जान लीजिए मैंने धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण नव निर्माण एवं विकास हेत एक मिक्स व्यवस्था नए कार्यवित रुपये 100 करोड़ धर्मार्थ की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नॉलेज में है। अयोध्या हिंदुओं की पवित्र नगरी है, वहाँ सड़कें बनी थी और उन सड़कों का क्या हाल हुआ है पानी में, अगर इसीलिए इसको चौड़ीकरण करना है तो रुपए मांगने क्या आवश्यक, इसलिए इसको तो आप पीडब्ल्यूडी बजट में डाल करके भी पीडब्ल्यू सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग से भी इसको बना सकते थे, अलग से आप मांग रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान आपको देना चाहिए। जब बने तो आप अगर इसकी समीक्षा खुद कर लें तो ठीक हो जाया करें, ये सड़क बनी नहीं, अयोध्या पे इतना रुपया खर्च किया, इतनी बड़ी संख्या में लोग आप जैसा कहते हैं जाते हैं, हम लोग बचपन से अयोध्या जाते हैं, मेरी माँ भी एक महीना अयोध्या रहती थी, तो मैं अयोध्या को बनाने के लिए आपने बड़ी कल्पना की, मैं अयोध्या से होके आता जाता हूँ, आप भी उसे कार से जाते रहो, क्या उसकी दुर्गति है सड़कों के अंदर, हम अभी आए हैं देख लेते, और उसी धर्मांध में अभी नहीं जानते अयोध्या बनाएंगे कहाँ बनाए, लेकिन आपने धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण के लिए पैसा मांगा है, ये एक मुफ्त व्यवस्था के लिए 1 अरब रुपया मांगा है, जबकि ये लोक निर्माण विभाग से भी हो सकता था, इसके लिए सप्लीमेंट्री मांगने की कोई जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री मांगा, आप बनाए, आपका अधिकार, इसमें हम कोई रोक नहीं लगा सकते। फिर एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, प्रतीक अनुदान था, अब समय तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, हम अब देखिए ये धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण और फिर नव निर्माण एवं विकास से एक मिश्र व्यवस्था चालू पाल ने 100 करोड़ की 2 बार मांगा, एक बार चौड़ीकरण सुने नव निर्माण विकास से 100 करोड़ हो। अनुदान संख्या 83 है आपका समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना के लिए जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर, ये तो अब आप कह चुके इसको मैं दोहराना नहीं चाहता, एक बार फिर मैं आपको बजट के बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब बजट पहले आप गांव जिलों में एक सलाहकार समिति कहिए या कुछ भी कहिए, हम लोग उसमें बैठते थे, गाँव के बजट के लिए हम लोग वहाँ से बजट बनाते थे, और बजट बना के आपके पास यहाँ केंद्र में आता था, जब आपका बजट बनता था तो उसमें उसको देख के समावेश किया जाता था, तो वास्तविक रूप से आपको पूरी जानकारी निचले स्तर की हो जाती थी। अब ये परिपाटी बंद हो गई, जो प्रभारी मंत्री जी हैं इनकी अगुवाई में जिला नियोजन समिति हुआ करती थी जिले की, उसमें बैठक होती थी
और तय होता था किस काम के लिए कितना रुपया, किस तरह की जरूरत है, ये सब वहाँ से पूरा आप यहाँ आता था। अब ये काम नहीं होता, कहीं कहीं हो जाता और बजट के बाद होता, बजट पास हो जाने के बाद होता, कहाँ उसमें भी सम्मिलित हो पाता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध है कि इस व्यवस्था को आप चालू करें, जिससे कि जिले का निचले स्तर का जो वहाँ सभी विधायक सभी प्रतिनिधि बैठेंगे, आपके भी रहेंगे हम भी रहेंगे, सबसे ज़्यादा तो आप ही के हैं, तो कम से कम निचले स्तर पर अपने गांव की समस्या, गांव की बातें या गांव की सड़कें या जो भी होगा उस नियोजन के बारे में वहाँ प्रस्ताव करेंगे, रखेंगे, वो बन के आएगा तो आपको बजट बनाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। फिर ये निचले स्तर की जो व्यवस्था है वो अपने आप बंद हो जाएगी।